हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का टेक्निकल माजिद यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं, मैं हूँ जो है कि जेई मेंस का ऑफिशियल वेबसाइट पे। जी दोस्तों, यदि आपने जेई मेंस का फर्स्ट सीज़न का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं किया था और आप जो है कि एग्ज़ाम नहीं दे पाए, किसी कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है, तो आप लोगों को लेकर और अपडेट ये है कि आपको जो सीज़न टू का ऑनलाइन का फॉर्म का रजिस्ट्रेशन का वो लिंक है वो एक्टिव हो चुका है। अगर आप फिल करना चाहें सीज़न टू का, तो आप फाइनली फिल करके आप जो है कि एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताया चलूँ, सीज़न वन का जो कि एग्ज़ाम भी हो चुके हैं, ख़त्म भी हो चुके हैं, एंड टू का जो कि रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव कर दिया गया है, ताकि जो स्टूडेंट अभी फिल नहीं कर पाए तो फिल कर दें एंड उनको एक और मौका दिया जाएगा, ठीक है। वो फॉर्म को अप्लाई करके वो एग्ज़ाम दे सकते हैं और एडमिशन अपने मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी कॉलेज में ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कैसे रजिस्ट्रेशन, सारे स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ, कैसे क्या चीज़ें करनी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला स्टेप वो ये है कि आपको सबसे पहले jmains.nta.ac.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ पर विजिट करना होगा। विजिट करने के बाद यहाँ पर लोग यहाँ पर देखेंगे लेटेस्ट न्यूज़ में, यहाँ पर आपको भी बताया जा रहा है कि विंडोज़ ओपन हो चुकी है रजिस्ट्रेशन की। तो यहाँ पर क्लिक है टू रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन फॉर सीज़न टू। तो जब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक पॉप बॉक्स आएगा, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको यहाँ पर पढ़ लेने हैं एंड यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं पढ़ने के बाद। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको जो है कि डैशबोर्ड ओपन होगा और यहाँ पर पहली बात तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पिन मांगा जाएगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि एप्लीकेशन हमारे पास है ही नहीं, तो एप्लीकेशन नंबर पाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन। तो अभी फ़िलहाल हम न्यू कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हियर पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आपको इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है एंड इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। एंड यहाँ पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर पेपर वन में क्या आता है, पेपर टू में क्या आता है, फ़ीस कितनी है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर बताएगी। तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है एंड यहाँ पर मैं इसको कहूँगा कि आप इसको ज़रूर पढ़ें, सारी चीज़ें कैसे क्या करनी इसमें बताए गए हैं। एंड देन आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर आई हैव डाउनलोडेड पर क्लिक कर देना है, मतलब कि आपने सारी चीज़ें पढ़ ली वगैरह, डाउनलोड कर ली उसकी इन्फॉर्मेशन को, एंड क्लिक है टू प्रोसीड की बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक किया टू प्रोसीड की बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं जो कि आपको यहाँ पर आपके पास जो भी हो, अगर मैं यहाँ पर आई हैव आधार कार्ड पर क्लिक करता हूँ देन यहाँ पर मुझे आधार नंबर फिल करना होगा, देन क्लिक किया टू प्रोसीड की बटन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर पे अगर आप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आधार नंबर फिल करना होगा, कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ आपको सेलेक्ट करने हैं एग्ज़ाम सेंटर वगैरह, तो आई विश टू शेयर आधार एंड ऑथेंटिकेट माई सेल्फ एट द एग्ज़ाम सेंटर थ्रू आधार, ठीक है। क्लिक है टू प्रोसीड की बटन पर क्लिक कर देना है, सॉरी यहाँ पर आधार नंबर फिल करना है, देन क्लिक है टू प्रोसीड पर, ठीक है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल, जैसे कि यहाँ पर कैंडिडेट नेम, आपका नेम क्या है वो, उसके बाद यहाँ पर आपके फादर्स नेम आपको, फिर यहाँ पर मदर्स नेम जो कि फिल करना ज़रूरी है। ये जो आप स्टार देख रहे हैं, जहाँ जहाँ भी स्टार लगा आपको ये फिल करना कंपलसरी। उसके बाद आपको डी ओ बी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके बाद पहचान पत्र, आइडेंटिफाई टाइप्स क्या देना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पर देना होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे सेक्शन में आते हैं, यहाँ पर आपको पता पूरा आपका जो घर का एड्रेस है वहाँ पर डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, इसमें डाल भी सकते हैं नहीं भी। यहाँ पर आपको लोकेलिटी क्या वो आप लिए, यहाँ पर इंडिया यहाँ पर सेलेक्ट करना है, एंड जिप मतलब पिन कोड, यहाँ पर आपको कंट्री, ठीक है, कंट्री कोड, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देना है। फिर उसके बाद कंफर्म दोबारा मोबाइल नंबर इंटर करना है, देन ईमेल आईडी, आपको ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद सेम ईमेल आईडी यहाँ पर बॉक्स में फिल कर देना, देन उसके बाद ये ऑप्शनल है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देन आने के बाद यहाँ पर सेम एज ए परमानेंट, सेम यहाँ पर सेम एज पर क्लिक कर देना, देन यहाँ पर फिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस भी सेम हो तो आपको क्लिक करना, वरना यहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड जनरेट करना होगा, आप अपने खुद से पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पासवर्ड पर क्लिक किया तो कैसे आपको पासवर्ड जनरेट करना है यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर दो तीन पॉइंट दिए, आपको उसको ध्यान में रखते हुए पासवर्ड जनरेट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर एक आपको जो कि सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा, आपको यहाँ पर च्वाइस करके उसका आंसर दे सकते हैं यहाँ पर, देन यहाँ पर सिक्योरिटी पिन, सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। एंड यहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा एंड आपने जो पासवर्ड जनरेट किया उससे लॉगिन करना होगा। चलिए मैं फिल करके आगे आपको बताता रहा हूँ। देन सारे फॉर्म फिल करने के बाद, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर सारा फॉर्म फिल कर लिया है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है, देन यहाँ से आपको सारी चीज़ें एक बार फिर से दिखाई जाएगी, आपने क्या क्या फिलअप किया है। तो यहाँ पर आपको जो चीज़ आपने फिलअप किया, यहाँ से पहले तो आपको सेलेक्ट कर लेना, मैंने फिलअप किया ऊपर, तो यहाँ से जैसे कि मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली है,
और आपको जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने वाला, ठीक है, यहाँ पर आई एग्री कर देना, ठीक है। एंड यदि आपसे कुछ भी गलती हो चुकी है तो एडिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर उसको मॉडिफाई करना, ठीक है। देन सबमिट एंड ओटीपी, सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको यस कर देना है, यहाँ से आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी। देन यहाँ पर वेरीफाई हो चुका और आपको जो है कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। देन हम लोग आते हैं नीचे, उसके बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला आपको मेल पे भी जाएगा, मोबाइल नंबर का मैसेज भी जाएगा, एंड आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था एंड जो सिक्योरिटी पिन, देन ये जो सिक्योरिटी पिन ये फिल कर रहे हैं, देन लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप आ जाएंगे डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पर आपने जो भी फॉर्म फिल कर दिया, आपका नाम या नहीं, यहाँ पर आधार नंबर वगैरह होगा, एंड यहाँ पर आपको तीन स्टेप फॉलो करने होंगे। पहला तो स्टेप हमने रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट एंड टिक लग गया, सही का ग्रीन हो गया, एंड यहाँ पर अभी दो यहाँ पर स्टेप है, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट दोनों दिखा रहा है, हमको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको अपनी जो डिटेल है, बेसिक सारी डिटेल है यहाँ पर, जैसे कि आपने नाम वगैरह फिल किया था, तो यहाँ पर डी ओ बी आपने ऑटोमेटिक आ जाएगी। एंड यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बेसिक डिटेल है, ये जो कि आपको सारी चीज़ें लगभग आपने फिल ही कर लिया था, तो इसमें जो भी मिस वगैरह, जैसे हमने जेंडर वगैरह वहाँ पर, तो वहाँ से वो कैप्चर कर लिया है, ठीक है। एंड यहाँ से आपको जो है कि सेवन नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कुछ भी मिस होता तो आप फिल करें एंड सेवन नेक्स्ट की बटन पर आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है कि आप फॉर्म किसके लिए फिल कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन पूछा जा रहा है कि बी फार्मा के लिए, बी आर के लिए, फिर बी बीटेक के लिए, ठीक है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर है, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एंड यहाँ पर आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको किस टाइप में पेपर चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में तो यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करें, हिंदी में जो भी आप लैंग्वेज कंफर्टेबल हो वो आप सेलेक्ट कर लें। एंड यहाँ पर बी बीटेक के लिए आप फिल कर रहे हैं, तो मैं बी बीटेक के लिए फिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बी बीटेक मैं सेलेक्ट कर लूँगा। एंड यहाँ पर ये सारी बीटेक जो है कि है, आप यहाँ पर सिटी वगैरह चॉइस कर सकते हैं, यहाँ पर बेस सारी डिटेल हैं, आप लोग यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं, आपके सेंटर वगैरह चॉइस करने हैं, आप यहाँ पर सेंटर चॉइस कर सकते हैं। देन सिक्योरिटी पिन, देन यहाँ से सेवन नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन, आपको हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन, आपने हाई स्कूल कब पास किया, कहाँ से पास किया, कौन सा कॉलेज है, कितना परसेंटेज बना, ये सारी चीज़ें हैं, आपको बेसिक डिटेल है, आपको ये फिल कर देना है, कोई ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, बेसिक डिटेल है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। देन यहाँ पर सेवन नेक्स्ट के बटन पर, उसके बाद यहाँ पर इंटर की भी है, आपको इंटर की भी डिटेल फिल कर दे, मतलब क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर सारी डिटेल फिल करनी है, बहुत बेसिक, आपने कहाँ से पढ़ा है, कितना परसेंटेज बना है, किस ईयर में पास किया है, रोल नंबर्स क्या है, सारी डिटेल फिल करनी है। देन यहाँ पर सेवन नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अगर आपने ये क्वालिफिकेशन की है, अगर आपके पास है, तो यहाँ पर आप इसका आंसर का जवाब दे सकते हैं। देन फिल करने के बाद आप सेवन नेक्स्ट के बटन पर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको फोटो एंड आपकी सिग्नेचर अपलोड करनी है। यहाँ पर साइज मेंशन किया गया, आपकी साइज क्या होनी चाहिए, एंड फोटो, एंड यहाँ पर जैसे अपलोड करेंगे यहाँ पर आ चुका है, एंड सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपने अब तक क्या सारी चीज़ फिल करी है, तो यहाँ पर पूरी सारी आपकी आ चुकी है। तो अगर आप भी अभी भी कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, यहाँ पर नीचे जाएंगे, यहाँ पर एडिट एंड मॉडिफाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर सेवन नेक्स्ट कर देंगे और उसके बाद कंफर्म की बटन आएगी, उसके बाद आप कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल वेरिफिकेशन है, मोबाइल वेरीफाई आप ओटीपी जाएगी, शेयर ओटीपी पर क्लिक कर वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दो स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर दो पे ग्रीन हो चुका है। अब जो लास्ट है वो फी पेमेंट का है, तो फी पेमेंट आपने जो भी कैटेगरी वहाँ पर सिलेक्ट की होगी, यहाँ पर जैसे कि 500 रुपये शो हो रहे हैं, तो आपने जो भी आपका नेम वगैरह एंड एप्लीकेशन एंड पेमेंट, हमारे पे नाउ के बटन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। पे नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप किसके थ्रू करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन होते हैं, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं UPI वगैरह, ठीक है, नेट बैंकिंग वगैरह, जिसके थ्रू आप करना चाहें। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप जो है कि सीजन 2 का जो है कि जेई मेंस का ऑनलाइन का फॉर्म फिल आप कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, तो आप कमेंट जरूर करें। एंड अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, वहाँ पर फॉलो कर लें, एंड वहाँ पर भी आप कुछ भी डाउट हो वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।